नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं दस्तक 24। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो सही साबित हुआ। इस मैच में नवदीप सैनी ने इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस जीत के बाद सिर्फ विराट कोहली ने नवदीप सैनी की प्रशंसा की, बल्कि नवदीप सैनी की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। देखें हमारी यह रिपोर्ट। भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से शिकस्त देते हुए उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर विंडीज बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाजों का सामना नहीं कर सके। वेस्टइंडीज 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 95 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 7.2 ओवर में 6 विकेट पर 98 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत से भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। खास बात यह रही कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में युवा गेंदबाजों पर दांव लगाया, जो सही साबित हुआ। दिल्ली के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने पदार्पण मैच में अपनी सधी हुई गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और टीम की ओर से सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। सैनी ने 4 ओवर में 1 ओवर मैदान फेंका और सिर्फ 17 रन दिए। इस T20 में आखिरी ओवर मैदान फेंककर नवदीप सैनी ने इतिहास रच दिया। नवदीप ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 मैच में अपना आखिरी ओवर मैदान फेंका हो। नवदीप से पहले भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया था। दुनिया में अब तक 3 गेंदबाज ही यह कारनामा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के जीतन पटेल, पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और सिंगापुर के जनक प्रकाश ने पारी का आखिरी ओवर मैदान फेंका है। इतना ही नहीं, हरियाणा के नवदीप सैनी भारत के लिए T20 मैच खेलने वाले 80वें खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही अपने T20 पदार्पण मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाले वो 7वें भारतीय खिलाड़ी भी हैं। साल 2006 में दिनेश कार्तिक, साल 2009 में प्रज्ञान ओझा, 2011 में एस बद्रीनाथ, 2015 में अक्षर पटेल, 2016 में बरिंदर सरा तथा अब की 2019 में सैनी ने ये कारनामा कर दिखाया है। अब की दिल्ली के लिए घरेलू मैच खेलने वाले सैनी का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला मैच है। उन्होंने लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गेंद फेंककर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नवदीप सैनी ने अभी तक 34 T20 मैच खेले हैं और इसमें उनके नाम 30 विकेट दर्ज हैं। IPL 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 13 मैचों में 11 विकेट लिए थे। इन्हीं प्रदर्शन की वजह से उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। अब की जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की 2020 सीरीज के पहले मैच फ्लोरिडा के सेंट्रच ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड लॉर्ड रहिल में खेला जा रहा है, तो अपने कैरियर के पहले इंटरनेशनल मैच में नवदीप सैनी ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक दिख रहे निकोलस पूरन और सिमरोन हेटमायर को आउट कर दिया। उनकी इस कमाल की गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफें हो रही हैं। अब जब खेल के सबसे छोटे प्रारूप की विश्व विजेता वेस्टइंडीज की टीम शनिवार को यहाँ पहले T20 मैच में भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई, तो इसके नायक नवदीप सैनी भी रहे। उनकी सदी गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर 95 रन ही बना सकी। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने जहाँ इस युवक की तारीफ की, वहीं सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दस्तक 24। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।